दोस्तों मेरे पीछे एक मेल एक्सप्रेस चल रही है, आप देख सकते हैं मेरे छत का नज़ारा है। यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है मेल एक्सप्रेस, और मैं यहाँ पे आने का मकसद है कि मैं उस ट्रेन को दिखा सकूँ। और क्या आप इस ट्रेन जो चल रही है उस ट्रेन के आप गार्ड बनना चाहते हैं, यानी कि ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं? तो यस, आज के वीडियो में मैं सिर्फ इसी में बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में गार्ड कैसे बनते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं सोलापुर डिवीज़न में एक लोको पायलट हूं, और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि भारतीय रेलवे में कैसे गार्ड बनते हैं। तो भारतीय रेलवे में दो तरह से गार्ड की भर्ती प्रक्रिया होती है, एक तो है ग्रुप डी। जब आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम यानी विभागीय परीक्षा दे करके भी आप गार्ड बन सकते हैं, और एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स का जो क्राइटेरिया है सर्विस पीरियड वो कर लिया तो आप आसानी से एक एग्ज़ाम पास करके रेलवे में गार्ड बनते हैं। और वो ट्रैकमैन भी हो सकते हैं, वो पाइसमैन भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो तरीका है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूंगा, जो कि रेलवे में लोग काम नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट वो भर्ती होना चाहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो इनका जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें इनका जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो आपका जो डिग्री है वो किसी भी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएफए हो, चाहे आपका बी फार्मा हो, चाहे बी बीटेक हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपकी जो एज है वो 18 से 33 साल होनी चाहिए, और यही एज का जो रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि 38 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यानी 36 साल तक ये अप्लाई कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि अप्लाई कैसे करेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए रेलवे समय समय पर अपने ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर वैकेंसी निकालती है, उस वेबसाइट को आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा। 2019 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, हो सकता है आने वाली दिनों में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी भी वो 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया है अभी भी चालू है, ज्वाइनिंग उनकी अभी भी एनटीपीसी के थ्रू चालू है। तो आपको एनटीपीसी के जरिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के जरिए जब वो आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय वहाँ पे आपको पोस्ट है ना ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड्स गार्ड यानी कि मालगाड़ी के गार्ड के रूप में आप जब जैसे ही अप्लाई कर दोगे तो आपका 3 से 4 महीने के बाद एक पेपर होगा CBT-1। इसमें 2 टाइप का पेपर होता है, CBT-1 और CBT-2। CBT-1 बेसिकली आपका स्क्रीनिंग नेचर का पेपर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ CBT-2 में जाने के लिए, CBT-1 आपका कोई भी मेरिट डिसाइड नहीं करता है नौकरी में आने के लिए। नौकरी में आने के लिए आपको CBT-2 को ही अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, और दोनों में पेपर एक समान होते हैं, तो इसलिए तैयारी करते समय आपको कुछ ज़्यादा CBT-2 के लिए अलग, CBT-1 के लिए अलग, ऐसा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ही दोनों हैं तो आप एक से ही आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको तैयारी करने के लिए जो भी बुक्स चाहिए वो बुक्स का डिटेल मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अपनी तैयारी के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने बहुत सारे मेरे ट्रेन मैनेजर फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो उनसे मैंने बात किया जिन्होंने सक्सेसफुल इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आए हुए हैं। तो उन सबका मानना यही है कि आपको एक लगन के साथ में और एक धैर्य के साथ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर रेलवे प्रैक्टिस वर्कबुक से हल करने पड़ेंगे, और आप कोशिश करना सॉल्व करते समय कि आपको एटलीस्ट 70% के ऊपर जाना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप अपना टेस्ट करते रहना, आप अपना जो क्वेश्चंस है वो 70% के ऊपर सॉल्व करना, तभी इसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं, ठीक है।
इसमें सीबीटी वन में आपको पता होना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स के आपको 30, रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 90 मिनट का ये आपको टाइमिंग दिया जाता है। जैसे ही आप सीबीटी वन क्लियर कर जाते हैं तो आपको सीबीटी टू में चले जाते हैं और सेम क्वेश्चंस आपको सीबीटी टू में देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्वेश्चंस पेपर है वह क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी जाती है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35, इस तरह से 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाएगा और उसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अगर आपको एक सही क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन आपको एक मार्क मिलेगा, और जैसे ही आप एक गलत क्वेश्चन कर जाते हो तो आपको 1/3 क्वेश्चन मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही सही क्वेश्चन हल करने हैं, आपको निगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है, इसलिए आप अवॉइड करना, तुक्का लगाने से बचना। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम। जैसे ही सीबीटी टू आप पास कर लेते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी वही होता है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय रेलवे को बताया है कि हमारी ये क्वालिफिकेशन, ये हमारी कैटेगरी है, ये हमारा एज है, तो उससे रिलेटेड आपको फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आपको रेलवे के ही किसी हॉस्पिटल में आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि रेलवे में जो भी कोई भी पोस्ट होता है उन सब के लिए एक मेडिकल का एक स्टैंडर्ड है, तो जो हमारा गार्ड है इनके लिए एक मेडिकल का स्टैंडर्ड है जो कि A2 होता है। जैसे हमारा ALP का A1 होता है, उसी तरीके से जो गार्ड है इनका जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो A2 होता है, जिसमें नॉर्मली जो स्टूडेंट फिट है तो वो पास कर जाता है। सिर्फ आपका आँख का इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अगर ALP का 6/6 होना चाहिए तो गार्ड का 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लास विदाउट लेंस। तो ये है आपका मेडिकल। जैसे ही आप पास कर जाते हैं तो मेडिकल पास करने के बाद आपको रेलवे के ही ट्रेनिंग कॉलेज में भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के दौरान भी आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है जो कि ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद होगा, और वो पास करने के बाद आपको एक मालगाड़ी के ब्रेक वैन में एज ए ट्रेन मैनेजर, एज ए गुड्स गार्ड बुक किया जाएगा। याद रखना, मेल एक्सप्रेस गार्ड, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर, ये सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट है, डायरेक्ट कोई रिक्रूटमेंट इसका नहीं होता है। तो ये जैसे ही आप उस गार्ड में बुक हो जाएंगे, आपको 50,000 से 60,000 रुपए सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि इनका ड्यूटी का नेचर भी लोको पायलट से कम नहीं है, 8 से 10 घंटा सेक्शन में रहती है और ट्रेन कहीं भी जंगल में खड़ी रहती है, तो लड़कियों को भी ये अप्लाई करने के लिए छूट है। बस बट आप ध्यान रखना कि ये ड्यूटी का नेचर गुड्स गार्ड का ऐसा ही है कि आपको जंगल में कहीं भी जहाँ पे अकेला रहना पड़ सकता है, तो अगर आप इस पे कंफर्टेबल फील करती हैं तो फिर आप अप्लाई करो। तो ये हमारा गुड्स गार्ड का हो गया। अच्छा, इनका वर्किंग जान लेते हैं कि इनका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग वही है कि ट्रेन को सुरक्षित चलाने की जिम्मेदारी जैसे लोको पायलट की है, तो वैसे ही इस जो मालगाड़ी है, इस मालगाड़ी में कोई भी हैंगिंग पार्ट, कोई भी अनयूजुअल स्थिति, कोई भी CNW यानी सवारी और माल डिब्बा की जो भी कंडीशन है वो सही होने चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो आप अगले स्टेशन पे गाड़ी रोको और उसको चेक करो, कोई ब्रेक जाम है, कोई चीज़ लटक रहा है, तो उसकी सूचना अधिकारियों को देना काम है। और इस ट्रेन में क्या क्या लोडिंग अनलोडिंग है, सारी जानकारी इन गार्ड के पास में रहती है। तो आपको सबसे पहले इस जो ट्रेन जो चल रही है हमारे पीछे मालगाड़ी, इसके गार्ड के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। तो कुछ दिन जब आप काम कर लेते हैं तो आपको मेल एक्सप्रेस गार्ड यानी पैसेंजर गार्ड में प्रमोशन मिलता है मालगाड़ी गार्ड के बाद से, और उसके बाद आपको पैसेंजर ट्रेनें मिलने लगती है। और पैसेंजर ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें का गार्ड का लगभग ड्यूटी एक समान होता है। जैसे उस ट्रेन का डिटेंशन कहाँ हुआ,
किस स्टेशन पर हुआ, उसका रीज़न क्या था, उसका कारण क्या था, उसके हायर अधिकारियों को देना होता है। ट्रेन में चेन पुलिंग हो गई है तो उसकी रीसेट करने की जिम्मेदारी लोको पायलट के साथ साथ इनकी भी होती है, और किसी वैलिड पैसेंजर ने किसी वैलिड रीजन से अगर चेन पुलिंग किया है तो उसका हेल्प करना भी इनकी जिम्मेदारी है, और किसी ने अनऑथराइज रूप से अगर चेन पुलिंग किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रेलवे के नियमों के मुताबिक करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। कोई पैसेंजर इंजर्ड हो गया तो फर्स्ट एड देने की जिम्मेदारी इनकी होती है। कोई पैसेंजर को हार्ट अटैक या कोई ऐसी नौबत आती है तो उनको CPR देने का भी इनको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग इनको ही दिया जाता है। और कोई पैसेंजर ट्रैवलिंग के दौरान बीमार हो गया तो उनको फर्स्ट एड डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है तो इनके ही जिम्मेदारी है कि डॉक्टर का मुहैया करवाए। अगर कोई क्रिमिनल केसेस हो गया, चोरी लूटपाट डकैती या मारा छीना झपटी, तो FIR भी पैसेंजर लिखवा सकते हैं, इनके पास भी एक FIR की कॉपी होती है। तो इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से इनको उस ट्रेन का ट्रेन मैनेजर बनाया जाता है। इसीलिए जब तक ये राइट नहीं बोलते हैं, लोको पायलट अपनी ट्रेन को एक इंच भी आगे नहीं हिला सकता है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जो कि ट्रेन मैनेजर पे था, एक गार्ड पे था। आप रेलवे में कौन सी पोस्ट पे आना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ आपका कोई सवाल होगा तो श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा मैं, उससे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। और मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ।